मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप सभी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए, iOS यूज़र्स के लिए, जितने भी लोग मोबाइल चलाते हैं उनके काफ़ी काम आने वाला है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, लोकेशन के बारे में। लोकेशन एक मोबाइल के लिए, एक यूज़र के लिए, एक एप्लीकेशन के लिए कितने मायने रखती है, ये सब हम इस वीडियो में आपको ज़रूर समझाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाऊंगा। हम सेटिंग्स में जाएंगे, जहां हमारे एप्लीकेशन मैनेजर होते हैं, जहां पर हमारा ऐप का सेटिंग होता है। आप देख सकते हैं यहां एप्लीकेशन एंड परमिशंस लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहां ऐप मैनेजर में हम जाएंगे और दोस्तों आप देख रहे हैं इस मेरे मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ये सभी एप्लीकेशंस जब हम इनको डाउनलोड करते हैं, जितने भी थर्ड पार्टी ऐप होते हैं या जो भी ऐप हम डाउनलोड करते हैं, वह सभी दोस्तों जो है आपसे इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ परमिशंस मांगते हैं, जैसे कि आपकी कॉन्टैक्ट बुक का एक्सेस, आपके मीडिया का एक्सेस, आपके गैलरी का एक्सेस, आपके कैमरा का एक्सेस, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस और आपके लोकेशन का एक्सेस। अब दोस्तों ये लोकेशन क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने जाऊँगा। जैसे कि एक रिसर्च में ऐसा बताया गया है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस बनाए गए थे हमारे डेवलपर्स द्वारा, जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर 100-200 मोबाइल्स के ऊपर उन एप्लीकेशंस को डाला, जो कि ट्रैक करती थी कि यूज़र कहाँ कहाँ जाता है और कितनी जगह अपनी लोकेशन को यूज़ करता है। जब दोस्तों एक महीने तक ऐसा किया गया और उस रिसर्च जो हो सकती है उसमें ये सामने आया कि पर्टिकुलर एक मोबाइल की जो है 200,000 जगह पर लोकेशन एक महीने के अंदर उन्हें मिली, 200,000 लोकेशन। इसके साथ साथ जो है कम से कम 3,000 से 4,000 तक का डेटा, 3,000 से 4,000 तक तरीके से जो है अलग अलग डेटा जो है उस एप्लीकेशन ने, जो टेस्टिंग पर्पज़ से बनाई गई थी, उसने निकाला कि एक यूज़र क्या क्या कर सकता है। अब मान के चलिए हमने किसी को अपनी लोकेशन दे रखी है, हम कहीं भी जाएं, जैसे यहाँ परमिशंस में आप देख सकते हैं, अभी परमिशंस में जैसे ट्विटर है, हमने सिर्फ कॉन्टैक्ट और स्टोरेज को अलाउ किया हुआ है, बाकी हमने कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन और फ़ोन को जो है डिनाइट कर रखा है। अब ऐसे में मान लीजिए आपने लोकेशन ऑन कर रखी है, और ट्विटर ही नहीं, हम कोई थर्ड ऐप मान लेते हैं जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन मार्केट में पैसा लगाते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, जितने भी सारे एप्लीकेशन जो दोस्तों होते हैं उसमें होता क्या है कि वह ये देख सकते हैं लोकेशन के माध्यम से कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मान लीजिए कि आपने दिन भर में जो है किसी कंपनी में विज़िट किया, आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल में घूमने गए, आपने वहाँ पर कितने तरीके से ट्रांजैक्शंस किए, अगर आपने परमिशन को वहाँ पर ओके कर रखा है तो। और ऐसे में होता क्या है, उस एप्लीकेशन के पास आपने कितनी जगह विज़िट किया, कहाँ कहाँ अपने इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स को डाला, आपने कितने की शॉपिंग की, कितना ट्रांजेक्शन किया, ये सभी जो है उनके पास में आ जाता है। अब हम बता सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी लोकेशन ऑन है, आपने एप्लीकेशन के यूज़ किया, आप कहीं शादी पार्टी में गए हैं, किसी बिजनेस मीटिंग में गए हैं, तो एप्लीकेशंस ये ट्रैक कर सकते हैं या एप्लीकेशंस के थ्रू ये ट्रैक हम भी करवा सकते हैं, हम देख सकते हैं कि एक यूज़र जो है पर्टिकुलर कहाँ कहाँ जाता है। अब दूसरा, आपके जो है यहाँ पे इंटरेस्ट पता चल सकते हैं, मान लीजिए आप किसी क्रिकेट ग्राउंड में, स्टेडियम में गए, कहीं और गए, आपके मोबाइल की लोकेशन ऑन है, या हम कह सकते हैं कि आप मान लीजिए कहीं मंदिर जाते हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं, किसी रिलीजन में जाते हैं, आप लगातार किस जगह पर विज़िट करते हैं, ये भी किसी एप्लीकेशन के द्वारा ईजीली ट्रैक किया जा सकता है। क्योंकि होता क्या है, किसी भी एप्लीकेशंस को हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन और एप्लीकेशंस के इतने आदि हो गए हैं कि जल्द से जल्द सभी को ओके कर देते हैं, एक्सेस दे देते हैं, भले ही हम उस पर एक दिन काम करें या एक दिन भी काम ना करें, इसके बाद वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल की लोकेशन ऑन होने के बाद पूरी तरीके से आपको ट्रैक करता रहता है। और कितनी जानकारी आप डाल सकते हैं, बता सकते हैं अपने मोबाइल को, वह ट्रैक कर सकता है। इसलिए दोस्तों मेरे आज के YouTube के थंबनेल में लिखा हुआ था कि आपकी और आपके मोबाइल की जन्म कुंडली को पब्लिक होने से हम बचा सकते हैं, करना क्या है आइए हम दिखाते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये सारे एप्लीकेशंस हैं,
मेरे पास जितने भी एप्लीकेशन है ज़्यादातर को मैंने लोकेशन बंद की हुई है, लेकिन मैं अभी आपको पेटीएम का एक उदाहरण दे देता हूँ। यहाँ देखिए पेटीएम में परमिशंस में लिखा हुआ है लोकेशन, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोकेशन को मैंने किस मोड पे डाला हुआ है। लोकेशन में यहाँ मैंने दिया हुआ है अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। जब मैं पेटीएम ऐप को चला रहा हूँ, मेरे को पेटीएम ऐप की ज़रूरत है, तब मैं इसको लोकेशन देता हूँ। इसके बाद यह फ़ोन मेरी लोकेशन को नहीं ले सकता है। अब मान लीजिए आप लोकेशन देना ही नहीं चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसको डिनाइट कर देंगे। डिनाइट करने के बाद अब जब आप पीछे आएंगे तो इसको जो है देखिए नीचे हमने माइक्रोफोन और लोकेशन को बंद कर दिया है। हमने इसको कैमरा, कॉन्टैक्ट, फ़ोन, SMS, स्टोरेज दे रखा है। इसी तरीके से मैं कोई और आपको ऐप दिखाता हूँ दोस्तों, जिस ऐप को मैंने जो है उसमें लोकेशन दे रखी हो। वैसे तो काफ़ी सारे ऐप हैं जिसमें मैंने लोकेशन को नहीं दिया हुआ है। हम एम आधार को चेक करेंगे। देखिए एम आधार एप्लीकेशन है दोस्तों, इसमें भी मैंने लोकेशन को दिया हुआ है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है ओनली वाइल ऐप इज़ इन यूज़। जब मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ उतने ही टाइम के लिए सिर्फ ये मेरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, इसके अलावा इस लोकेशन को ये अलाउ नहीं करेगा। हम यहाँ से डिनाई कर सकते हैं। और एक ऊपर ऑप्शन दोस्तों तब आता है अलाउ का, जब हम पूरी तरीके से इसको अलाउ कर देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिए अपने वाले लोगों को, और ये बताइए कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आपके स्मार्टफोन में देख सकते हैं, नाम ही स्मार्ट रखा है फ़ोन का, लेकिन हम थोड़े से काम जो हैं वो स्मार्ट वाले नहीं करते हैं और हमारी कितनी सारी परमिशंस को एक के बाद एक देते चले जाते हैं। तो आप भी स्मार्ट बनिए, स्मार्ट यूज़र बनिए स्मार्टफोन की तरह, और स्मार्ट तरीके से काम करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए दोस्तों लोकेशन का, आपके कॉन्टैक्ट्स का, आपके गैलरीज का। तो लोकेशन उसमें बहुत ज़्यादा मेन है, आप कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं ये सभी ट्रेस किया जा सकता है आने वाले समय में, या ट्रेस किया ही जाता है। वो किस पर्पज़ से किया जाता है, अच्छे या बुरे से, ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन आप हमेशा अपने फ़ोन को, अगर उस फ़ोन में लोकेशन ज़रूरी है तो आप ऑप्शन दें ओनली वाइल ऐप इज़ इन यूज़, और अगर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है तो आप यहाँ क्लिक करें, डिनाई करें, पीछे आएँ, तो आप देखेंगे कि हमने लोकेशन को डिनाइड कर दिया है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो एप्लीकेशंस के ऊपर, लोकेशंस के ऊपर। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।